गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट क्लासेस। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, वो क्लास टेंथ के बच्चे के लिए, स्पेशली क्लास टेंथ के बच्चे के लिए है। और ये जो है आपका केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, वो बताने वाले हैं मैं आपको। और देखिए, सबसे पहले हम लोग NCERT के मतलब कि NCERT के तरीके से चलेंगे। तो सबसे पहले NCERT में लिखा गया है कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। उसके बाद ये बताया गया कि किस तरह से पहचानेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसी को कह सकते हैं कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन। कैसे आप बोलिए कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, तो ध्यान देंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहली बात आती है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग को जानना ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अक्सर कोई भी केमिकल्स रिएक्शन आपको मिलेगा तो वहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जरूर आएगा। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हुआ, तो वहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की चर्चा जरूर है। तो देखिए, रिएक्टेंट्स सबसे पहले आज जानेंगे हम लोग, रिएक्टेंट्स किसको बोला जाता है। रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स आप कहोगे कि जो भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, द केमिकल स्पीसीज आइदर एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो। हमारे पास जो केमिकल स्पीसीज होती है, केमिकल स्पीसीज जो कि आपका रिएक्टेंट में या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसी को बोलते हैं केमिकल स्पीसीज, डैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। उसी को हम लोग क्या बुलाएंगे, रिएक्टेंट बुलाएंगे। जो कि रिएक्शन में भाग लिया करता है उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। और ये जनरली जो भाग लेने वाला चीज़ क्या होता है हमारे पास रिएक्टेंट में, ध्यान देंगे, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और जो भी चीज़ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है उसको आप बुला सकते हो रिएक्टेंट्स। इत क्लियर हो गया। और रिएक्टेंट्स के लिए क्या है कि हम लोग इसको क्या किधर लिखते हैं, आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड की ओर रिएक्टेंट लिखा करते हैं। अगर मान ले इस तरह से आप मान ले कॉपी में लिखा करते हो, स्टार्ट करते हो, तो ये जैसे कॉपी में लिखते हो इस साइड और इस साइड हमारे पास आता है, बीच में एक एरो आता है, बीच में एक एरो आएगा आपका। तो यहाँ पर ध्यान देंगे इस एरो के इस साइड जिधर ये इसका मुँह रहेगा, ये देख रहे हैं ये एरो, ये वाला साइड, इस साइड की ओर क्या होता है प्रोडक्ट, और इधर क्या होगी आपका रिएक्टेंट। तो इधर आप लिखोगे क्या है, ये रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स, और इधर होगी आपका प्रोडक्ट। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट आप लिखा करते हैं कि किधर, LHS आर लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया प्रोडक्ट RHS राइट हैंड साइड। आपको बता दिया गया है कि रिएक्टेंट्स क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है और आयंस हो सकता है। ये तीन चीज़ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जनरली इतना चीज़ पर ज़्यादातर आपको यही मिलेगा, एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस केमिकल रिएक्शन में भाग लिया करते हैं, उसी को आप बुलाओगे रिएक्टेंट्स। अब बात आती है प्रोडक्ट का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, रिएक्टेंट तो हमारे पास आ गया, अगर हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हमको रिएक्टेंट तो चाहिए ही चाहिए, बिना रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट का होना तो ज़रूरी है। अब देखिए कि रिएक्टेंट्स हमारे पास, सपोज एग्जांपल की बात करता हूँ मैं, हमारे पास रिएक्टेंट ए है, बी है, मान ले यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बना, पी कोई प्रोडक्ट बना, मान ले आपने यहाँ लिख दिया C+O2 और यहाँ पे लिख दिया CO2, यहाँ भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, आप क्या देख रहे हैं प्रोडक्ट्स बना। तो रिएक्टेंट पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद एक नए चीज़ का निर्माण होता है, एक नए चीज़ का निर्माण होता है जिसका प्रॉपर्टी आप ध्यान से सुनेंगे बार बार, एक जब रिएक्टेंट पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, हो सकता है ये रिएक्टेंट एटम हो, एटम कोलाइड कर सकता है, एटम मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर सकता है, तो यहाँ पे कोलाइड करने के बाद एक नए चीज़ का निर्माण होगा जिसका प्रॉपर्टी आपका रिएक्टेंट पार्टिकल से क्या होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा। जो रिएक्टेंट में भाग लिया उसका प्रॉपर्टी और जो नया चीज़ बना उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उसी को आप क्या बुलाते हैं, प्रोडक्ट। कह सकते हैं कि आपका व्हेन रिएक्टेंट पार्टिकल्स कोलाइड्स, अब कोलाइड्स होने का एक तरीका है, एक तरीके से टकराना होता है, कह सकते हैं कि कोलाइड तो करेगा लेकिन इफेक्टिवली होना चाहिए। अगर वो इफेक्टिवली कोलाइड करता है, जरा सा हम यहाँ पे लगा देते हैं कि व्हेन रिएक्टेंट पार्टिकल कोलाइड इफेक्टिवली देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, तब जाके प्रोडक्ट फॉर्म करता है। और उससे प्रोडक्ट्स जो बनता है
उसकी प्रॉपर्टी और जिस चीज़ से वो बना है उसका प्रॉपर्टी, दोनों का प्रॉपर्टी में क्या होगा, अंतर होगा। इसी को तो बोलते हैं क्या, आपको एक तरह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये जो प्रक्रिया हो रही है, प्रोसेस जो हो रहा है, आप बुला सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है कह सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि रिएक्टेंट्स इसको बोलेंगे। तो रिएक्टेंट्स दोज विच टेक पार्ट्स इन द केमिकल रिएक्शंस, या फिर कोई भी केमिकल स्पीसीज विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब केमिकल रिएक्शंस आप सिंपल भाषा में डिफाइन कर सकते हैं कि आपका द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग रिएक्टेंट्स इज नोन एज केमिकल रिएक्शंस। और ये रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं, ध्यान रखेंगे ये जो रिएक्टेंट्स पार्टिकल आपस में कोलाइड्स करते हैं और एक नया चीज़ का निर्माण करते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से इंटायरली क्या होता है, डिफरेंट होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये बात हो गया केमिकल रिएक्शन की, बात मैंने किया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है। देखिए बहुत ही ये चैप्टर्स जो है, जो पहला चैप्टर आपके दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, बहुत ही कह सकते हैं आपका शॉर्ट चैप्टर है, लेकिन हाँ सीखने को इसमें बहुत कुछ मिलेगा। सीखने को बारीकी बात अगर जाननी है तो आप टाइम टू टाइम वीडियो को देखा कीजिए। जनरली ऐसे हम बोल देंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये होता है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ा बारीकी से हम कैसे केमिकल रिएक्शन को पहचानेंगे, ठीक है। तो ये जानने के लिए आप टाइम टू टाइम खोल के वीडियो को देखा कीजिए, सारा चीज़ आपको मतलब कि क्लियरली ट्रांसपेरेंट तरीके से समझाया जाएगा। अब बात करूँगा, आप खाली मैं ये पहला लेक्चर है, आप सिर्फ समझिए, सुनिए इसको, सुनिए इसको। तो रिएक्टेंट्स आप समझ गए कि मैं अगर बात करूँ, लिखने की बात करूँ थोड़ा सा, तो रिएक्टेंट्स हो गया कि केमिकल स्पीसीज विच टेक पार्ट्स इन द केमिकल रिएक्शन, केमिकल स्पीसीज जो होता है विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और मैं जो चीज़ पढ़ाऊँगा, जितने भी केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊँगा आपको, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊँगा, ठीक है, प्रैक्टिकली दिखाऊँगा। आज भी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसके आपको इसका प्रैक्टिकल आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो किस तरह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये मैंने दिखाया है, और क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशन है, इसका प्रैक्टिकल्स मैंने बना के रखा है, आप देख सकते हो। पहले आप थ्योरी पे ध्यान दें, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिकल लैब में जाइएगा तो बहुत कुछ समझिएगा और करने में आसान होगा ये चीज़ें। तो ये केमिकल स्पीसीज विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। जनरली आपको देखने को क्या मिलेगा, AMI, आप याद रखेंगे AMI को, एटम मॉलिकुल्स या फिर आयंस, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट पार्टिकल्स जो भी होगा, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन, मान लीजिए यहाँ पर C+O2, उस केमिकल रिएक्शन का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, CO2। यहाँ पे मैंने लिखा N2+H2, यहाँ पे क्या हुआ, NH3 बन गया। आप ध्यान दें, कुछ चीज़ का मैंने आपको सिंबल बताऊंगा, पहले केमिकल रिएक्शन जानने के लिए। मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा, इसे ध्यान दें, कहीं कहीं आपको यहाँ पे हम लिखते हैं S, ठीक है, इसको बोलते हैं सॉलिड, मिलेगा आपको बुक में, मिलेगा हर जगह मिलेगा, कोई आपका रिएक्टेंट के बगल में, जस्ट बगल में छोटा सा अक्षर में लिखा रहेगा स्मॉल से S, तो सॉलिड। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ G, तो समझ जाइएगा गैस। यहाँ पे CO2, अगर G है तो ये गैस, ध्यान रखिए, ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ भी वो नहीं पहचान पाते क्या लिखा हुआ, किस स्टेट में है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप ये चीज़ है, आप इसको अभी से लिखने का आदत, इस ऐसा नहीं कि इसको हम लोग सोचे कि कार्बन लिख लिए मेरा काम हो गया, ये बाद में आपको पता चलेगा कि कितना ज़रूरी चीज़ हम छोड़ रहे थे, ठीक है। इससे बहुत कुछ मिलता है, बेसिक आपको पता चलता है इससे, ठीक है। प्रोडक्ट का क्या कंडीशन होगा, कैसे बने, कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये भी डिसाइड होता है। तो ये सॉलिड है, ये गैस है, यहाँ पर गैस, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर लिखेंगे, अगर जी लिखा हुआ था गैस समझ लीजिएगा, H2 हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया भी गैस। अभी ध्यान मत दीजिए केमिकल रिएक्शन मैंने बैलेंस किया या नहीं किया, वो बाद में सीखेंगे हम, आ रहा है वो चीज़। अभी मैं ये दिखा रहा हूँ, सिर्फ कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का, ध्यान दें कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड होता है। इसको मैंने थोड़ा सा हीट दिया तो क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल गया और CaO9 सॉलिड में चेंज हो गया। तो
तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। मैंने सब कुछ लिखा, मैं जेडन और जेडन सॉलिड जेडन, यहाँ पे मैंने लिखा कॉपर सल्फेट, आपको कहीं कहीं दिखेगा AQ। AQ का मतलब एक्वास होता है, एक्वास का मतलब है वाटर कंटेनिंग, उसमें पानी होगा, सॉल्यूशन में क्या होगा, पानी होगा। याद रखिएगा सब लिख देते हैं, S4 क्या है आप याद करेंगे, सॉलिड, L इक्वल टू लिक्विड, G4 गैस और AQ मीन्स एक्वास। ये सब चीज ध्यान में रखें। कभी कभी एक एरो आपको दिखेगा इस टाइप से, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसका मतलब होता है कि रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है, इस टाइप का एरो एकदम ऐसा, और ये इसको बोलिएगा ये हो गया हेड, हो गया टेल, हो इस टाइप का। कभी कभी आपको दिखे, देखिए अभी अभी हो सकता है ना दिखे आप, लेकिन आगे आपको ये भी मिल सकता है ऐसा एरो, एक तरफ हाफ एरो एक तरफ हाफ एरो, इसका मतलब होता है दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो सकता है, दोनों डायरेक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, एक एरो है तो एक ही डायरेक्शन में, अगर दो एरो है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। ये बहुत ही की पॉइंट है आपके लिए, ये बहुत ही की पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखें। बहुत बच्चे को ये पता नहीं होता, अब बहुत बच्चे फंसते हैं, सीधा सीधा उठाएंगे डायरेक्ट लिखेंगे C+O2C। अब आप उसका स्टेट पूछ लीजिए, उसको पता नहीं, क्लियरली वो नहीं लिख पाए। अगर मैं पूछ दूँ कि कार्बन किस स्टेट में है यहाँ पर, वो नहीं लिख पाए, प्रॉब्लम उसको। मैं सारे बच्चे की बात करूँ, C O2। अगर हम कभी कभी क्वेश्चन क्या है, इसे मान लें मैं क्वेश्चन आपको दूँ, ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, थोड़ा ध्यान दें, और क्या क्वेश्चन ऐसा नहीं बन सकता, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आप बताइए, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो मैं बनाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ CO2, अरे यहाँ पे लिख दूँ CO2, मैंने यहाँ पे लिख दिया X, यहाँ पे लिख दिया Y, ध्यान देंगे, और यहाँ पे लिख दिया Z, तो यहाँ तो आपको एफिशिएंट नहीं लगाइएगा, यहाँ लिखा हुआ X, यहाँ पे लिखा हुआ Y, यहाँ पे लिखा हुआ Z, ध्यान देंगे, तो यहाँ पे कोफिशिएंट तो नहीं लगा, कोफिशिएंट जब भी लगा लगता है कि इधर लगता है, ठीक है। इसके मतलब ये जो लिखा हुआ है कंपाउंड के बाद जो लगता है, क्या लगता है, इसका स्टेट लगता है, किस स्टेट में। तो आप यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक्स ये जो किस स्टेट में है कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप लिखेंगे एक्स किस स्टेट में, तो एक्स बराबर लिखेंगे एस, एक्स इक्वल टू एस सॉलिड स्टेट में। यहाँ वाई क्या है, वाई क्या है, CO2, आपको लिख के आना हो गैसेस स्टेट में। और जेड क्या है, जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड स्टेट। तो ध्यान देंगे इस चीज़, आपके लिए वेरी वेरी की पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं नकार सकते, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास में मैंने क्या सिखाया, मैं ज़्यादा देर क्लास आज एंगेज नहीं करूँगा, जस्ट इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा व्हाट आर द कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मैं आपको ये समझाने की कोशिश किया आज, ये सब चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, सॉलिड लिक्विड गैस रिएक्टेंट्स क्या है ये आपको मैंने बताया, केमिकल रिएक्शंस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, फिर से मैं एक बार ओवरऑल रिकैप करता हूँ, रिपीट करता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा, ध्यान देंगे आप। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल रिएक्टेंट्स से स्टार्ट होती है, अगर स्टार्ट करता है केमिकल रिएक्शन को चैप्टर, केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन, तो रिएक्टेंट तो आना ही है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साथ आप बंधे हुए हैं। आप पढ़ रहे हो केमिकल रिएक्शन, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ आप बंधे हुए हैं। रिएक्टेंट उसको बोला जाता है जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है, वो क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं रिएक्टेंट साइड में, केमिकल स्पीसीज कुछ भी हो सकता है। और जो उसके कोलिजन से, उसके टकराने से रिएक्टेंट पार्टिकल के आपस में कोलाइड, अभी CO2 कैसे बना होगा, आपस में कार्बन और डाइऑक्सीजन टकराया होगा, तो टकराने के समय में फसल के जब टकराता है तो एक नया चीज़ का फॉर्मेशन होता है, आपको बाद में पढ़ेंगे आप, जब टकराता है तो नए पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, तो वो बात की बात है। आप सिर्फ इतना जानो फिलहाल अभी कि ये जो आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो एक नया चीज़ का निर्माण होता है, जिसका प्रॉपर्टी, जिसका जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों के प्रॉपर्टी से कुछ अलग होगा, अलग होगा, सेम नहीं होगा। अब ये दोनों डाइहाइड्रोजन आपस में टकराया है, ठीक है, तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं, इस पर ध्यान नहीं देना आप, दोनों क्या टकराता है आपस में, एक प्रॉपर तरीके से टकराता है, एक इफेक्टिवली तरह टकराता है, तरीके से टकराता है, टकराना भी तो तरीका से, अगर प्रोडक्ट हमको लेना है ना, ठीक है, तो उसको टकराने का भी एक तरीका होना चाहिए, सही तरीके से टकराना है, सही तरीके से अगर टकरा गया तो प्रोडक्ट का निर्माण होगा ही होगा, ठीक है। सिमिलरली ये चीज़ देख रहे हैं, और इस चीज़ पर ध्यान रखें, स्टेट पर ध्यान दें,
तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद जो आपको बताने वाले हैं कि कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये जानने के आपको नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट होगा, ठीक देखना है, तो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।